वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूज़ फैक्टराइजेशन मैथड। हमने फैक्टराइजेशन मैथड को यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए, टू फाइंड स्क्वेयर रूट। इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मैथड को यूज़ करना है और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर काम यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट करते हैं। वन टाइम ऐसे राइट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन इस पर एक तो इस तरह से हो सकती है कि आप जो है वो ये काम करो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर, और फिर हम सेंटर में कोई ऐसी टू टर्म्स लें जिनको सॉल्व करने पे ये है, उनको मल्टीप्लाई करके वो आए जो इनको मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। एक वो मैथड है, एक ये है यूजिंग फार्मूला। जो ये फार्मूला होता है ना आपके पास, ए आपके पास आएगा माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, वो आइडेंटिटी भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है। तो वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और होती है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको जो है ना इस फॉर्म में लेके आना है। फोर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या करें कि होल स्क्वायर, अगर हम टू एक्स का होल स्क्वायर राइट करें तो हम राइट कर सकते हैं, यस। टू एक्स का होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर बी का स्क्वायर बनाना है हमें, तो इसको हम ये कर लेते हैं, नाइन वाई का स्क्वायर है ना, नाइन वाई स्क्वायर है, तो हम कर लेते हैं थ्री वाई का होल स्क्वायर। थ्री वाई का होल स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो यस है। इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है, सेंटर में माइनस टू फॉर्मूले का आ गया, ए भी है ना, तो हमारे पास ए ये आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। और आप सिंपल चेक करने के लिए कि सही हो कि नहीं, कि इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ रहा है, तो यस टू इंटू टू फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, और एक्स वाई तो यस, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने इसको क्लोज कैसे करना है, वो इस तरह से करते हैं, जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना उसको हम एक ब्रैकेट में राइट कर देते हैं, टू एक्स को और थ्री वाई को, और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। सेंटर में कौन सा साइन आएगा, जो टू के साथ है, टू के साथ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन मैथड जो है हमने फैक्टराइज कर लिया। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको राइट करो जिसका करना है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या करने लगे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और ये जो है ना टू एक्स माइनस थ्री वाई का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब आपको पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या हो रह गया, ये टू एक्स माइनस थ्री वाई, ठीक है, ये रह गया। और ये क्या करेंगे, इधर यहाँ पर इसको राइट करते हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, हमारे पास हो गया टू एक्स माइनस थ्री वाई का। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं जब स्क्वायर रूट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फाइंड करना हो बाय फैक्टराइजेशन मैथड, ओके। सबसे पहले क्या किया मैंने आपको बोला, दूसरा वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ये वाला किया कि इसका होल स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर कर लो, माइनस ये जो इधर साइन है वो लगाओ, टू फॉर्मूले का ये इधर और ये इधर, सिंपल। बाद में क्लोज करने के लिए जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है फर्स्ट और लास्ट पे, उनको एक ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, जो इधर होगा वो आ जाएगा। फिर क्या कर लेना है, इसको राइट करो जो गिवन है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और देन इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, टू एक्स माइनस थ्री वाई के। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और वीडियोस देखना चाहते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे जो है ऑपरेशंस पे, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे और देख सकते हो वीडियोस। देखने के लिए ना क्या करो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नेम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। और यहाँ पर आपने क्या कर लेना, प्लस माइनस लगा देना, ठीक है ना। जब हम स्क्वायर रूट को इस तरह से करते हैं ना, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का इक्वल किसके होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जब वो बाहर आ जाता है तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है, और इसको ब्रैकेट में कर लें।